हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलम, ब्रिज नील फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं चटपटी सी सिंपल सी चाट। यहाँ चाट बनाने के लिए मैंने मटर में पहले थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसे बॉईल कर लिया था। अब बॉईल इसे यहाँ तक करेंगे कि ये हाथों से दबाने पर बिल्कुल आसानी से दब जाए। अब मटर तो तैयार हो गई है, तो चलिए अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इमली को पहले ही सोख करके रख दिया था पानी में। अब इमली भी अच्छे से फूल गई थी तो उसे छान लिया और इसे पकने के लिए चढ़ा देते हैं। और साथ ही इसमें आधा कटोरी गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ और साथ में इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ मैं सिर्फ गुड़ का ही बना रही हूँ चटनी। और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा नमक जो इसके टेस्ट को और बढ़ाएगा, और लाल मिर्च डाल के अब इसे कुछ देर तक के अच्छे से पकने देते हैं। जब तक के चलिए और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब चटनी तो पक रही है, अब चलिए और आगे तैयारी कर लेते हैं चाट को बनाने के लिए। अब क्योंकि चाट में आलू की टिक्की भी डाली जाएगी, तो फिर यहाँ पे आलू की टिक्की की भी तैयारी करते हैं। और यहाँ पे दो बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसमें दो चम्मच अरारोट ऐड करेंगे, यानी कि कॉर्नफ्लावर, और साथ ही थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये चम्मच से तो मिक्स आसानी से नहीं होगा, तो इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें टिक्की के शेप का बना लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए थे टिक्कियाँ। अब टिक्कियाँ तो सारी बन के रेडी हैं, और साथ ही में इधर चटनी भी बन के तैयार होने ही वाली है लमसम, क्योंकि अब ये भी अच्छा खासा पक गया है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, धनिया और मिर्च है जिसे मैंने दरदरा थोड़ा सा पीसा हुआ है, उसे ऐड कर लेंगे। उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है चटनी में। और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 बादाम और थोड़ी सी किशमिश ऐड किया है, महीन महीन काट के। अब चटनी तो बिल्कुल बन के तैयार है। और साथ ही जो हम लोगों ने टिक्की बना के रखी थी आलू की, उसे भी चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब हम आलू की टिक्कियों को इसमें ऐड कर लेंगे। और इन्हें तुरंत ही नहीं पलटेंगे, जब एक तरफ से ये अच्छे से लाल हो जाए तभी इन्हें पलटेंगे, वरना तो ये टूट भी सकती हैं। अब ये देखिए अच्छे से एक साइड में पक गया था, तो दूसरी तरफ भी मैंने पलट दिया था, और दोनों साइड से ही अच्छे से पक गई हैं और सारी टिक्कियाँ तैयार हैं। और साथ ही मैंने पूरे इंग्रेडिएंट्स जो चाट में ऐड करना है वो भी तैयार कर लिया था। यहाँ पे सेव ले लिया था मैंने, और ये भुने हुए वही मसाले जो चटनी में मैंने ऐड किया था, और साथ ही इसमें मीठा वो दही तैयार कर लिया। और इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, प्याज लिया है, धनिया, टमाटर, खीरा, मिर्च और नींबू। अब चलिए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले टिक्कियों को रखेंगे प्लेट में, फिर उसके बाद उसमें मटर ऐड करेंगे। मटर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फिर इसमें ऊपर से चटनियाँ, मीठी वाली चटनी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मीठा दही, और साथ ही इसमें जो सब्जियां हमने काट के रखी थी, जैसे प्याज, धनिया, मिर्च, जो हमारे चाट को और चटपटा बनाएगा, साथ ही थोड़ा सा टमाटर, खीरा, उन सबको अच्छे से ऊपर से ऐड कर लेंगे। अब हरी धनिया ऐड करने के बाद इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, जो चाट को और टेस्टी बनाता है। अब सेव, भुने हुए मसाले और नमक ऐड करने के बाद चटपटी सी चाट तैयार है, जिसे आप भी इंजॉय कीजिएगा। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अब यहाँ पर चाट तो बन के तैयार है और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर चाट तो बन गई है, अब इसके बाद चलिए किचन से ही अपने कुछ ब्यूटी टिप्स भी निकालते हैं, किचन से ही आइटम से अपने स्किन को भी सुंदर और ग्लोइंग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये स्क्रबर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले एक छोटा चम्मच कॉफ़ी लिया है। और इसी कॉफ़ी में हम लोग एक चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी थोड़ी सी यहाँ पे मोटे दाने वाली यूज़ किया है और साथ ही इसमें एक चम्मच दही का भी यूज़ करेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चीनी और कॉफ़ी तो हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाता ही है और दही से हमारे चेहरे में एक कहते नहीं है सॉफ्टनेस आ जाएगी, इसलिए मैंने इसमें दही को ऐड किया है। अगर इसमें हनी ऐड करते हैं या तो इससे कहते नहीं थोड़ा सा कड़ा रहता है ये, मतलब स्क्रबर करने में थोड़ी सी उतना स्मूथनेस नहीं आता है। दही ऐड करने से ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है जिसे आप अपने चेहरे पर और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था मैंने। अब चलिए इन्हें वॉश कर लेते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखिए चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ गया है। अब दूसरा पैक भी बनाते हैं यहाँ पर। अब स्क्रबर तो मेरे चेहरे की मैंने कर ली थी, अब चलिए एक दूसरा पैक बनाते हैं जिससे चेहरे की अच्छे से मसाज की जाएगी। अब यहाँ पे एक टमाटर का जूस मैंने ले लिया था, साथ ही इसमें दो चम्मच चावल का आटा और एक चम्मच कॉफ़ी ली और साथ ही ये एलोवेरा एक चम्मच ऐड कर लेंगे इसमें और एक चम्मच शहद और यहाँ पे इवियन की मेरे पास छोटी वाली गोली है उसे मैंने एक गोली इसमें ऐड कर ली थी। आप ग्रीन वाला जो इवियन होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें और साथ ही मैंने इसमें एक चम्मच लास्ट में दही ऐड किया था। अब इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक और फेस पैक तैयार है। तो चलिए अब इससे भी अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करते हैं। इस फेस पैक में मैंने वो सब इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो हमारे चेहरे को एक अच्छा सा ग्लो देते हैं और चेहरे को हेल्दी बनाते हैं और साथ में इसमें जो चेहरे पे टैनिंग आई हुई होती है उसे भी ये थोड़ा सा कम करने में हेल्प करता है। वैसे इसका रिज़ल्ट आप धीरे धीरे ही देखेंगे चेहरे पे। मैंने भी इसे अभी जल्दी ही लगाना स्टार्ट किया, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तभी मैंने सोचा आपके साथ इसे शेयर करूं। अब फेस को भी देखिए मैंने वॉश कर लिया है और काफ़ी इससे स्किन अच्छी लगने लगी। और यहाँ पे मैंने ये मेरे पास जॉय का एक फेस पैक है चंदन का, उसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसकी जगह पर आप बेसन और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं फेस पैक की तरह और सेम इसी तरह का वो भी रिज़ल्ट देगा। मेरे पास इस समय बेसन नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये वाला फेस पैक था उसे ही इस्तेमाल कर लिया और अब चेहरे को वॉश कर लिया है। देखिए चेहरा अच्छे से पहले से काफ़ी चेहरे में चेंज लग रहा है। यार मेरे चेहरे पे तो मैंने इसे ग्लोइंग स्किन और हेल्दी स्किन बनाने के लिए इसे अप्लाई किया था। मेरा कॉम्प्लेक्स चेहरे का इतना फेयर नहीं है और बाद में मैंने इसे लास्ट में मॉइस्चराइज़र चेहरे पर लगा लिया था और मेरा तो स्किन केयर हो गया। अब चलते हैं छठ पूजा। असम के कोकराझार के एक घाट है पड़ता है, वहाँ पर ही हम लोग चले गए थे छठ पूजा देखने के लिए और हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच गए थे, मतलब शाम होने ज़्यादा शाम को नहीं गए थे, जैसे 3-4 बजे के करीब 3 बजे करीब हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है तो भीड़ काफ़ी हो जाती है और हम लोग सिर्फ देखने के पर्पज़ से ही वहाँ पे गए थे कि छठ पूजा यहाँ का किस तरह से होता है कोकराझार में। तो हम लोग देखने के लिए वहाँ पर गए थे और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, साथ में गाना बज रहा था और मैंने भी वहाँ पे ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया था हाथों से ही पानी से, क्योंकि मैं कुछ लेके तो गई नहीं थी सिर्फ देखने के उसे ही गई थी, मगर काफ़ी अच्छा लगा और देखा हम लोगों ने। और वहाँ से हम लोग जल्दी ही निकल आए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वापस होते वक्त और भीड़ तो पूरा घाटों पर बहुत अच्छे से भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा सब देखने वाले भी आए थे और पूजा करने वालों की तो भीड़ रहती ही रहती है वहाँ पे। तो हम लोग ने देख लिया और फिर जल्दी ही वहाँ से निकल आए।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।